नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑब्लिगेटरी स्ट्रक्चर, टर्नआउट और क्रॉस ओवर ओएचई के बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्लिगेटरी मास्ट। ओएचई का लेआउट प्लान बनाने के लिए सबसे पहले सर्वे करके पैकिंग प्लान बनाया जाता है। पैकिंग प्लान में सबसे पहले यार्ड एरिया में टर्नआउट और क्रॉस ओवर पर ऑब्लिगेटरी मास्ट की लोकेशन फाइनल की जाती है। ऑब्लिगेटरी मास्ट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मास्ट होता है, या यूं बोले कि अनिवार्य रूप से लगाया जाने वाला मास्ट है। इसकी लोकेशन फाइनल होने के बाद ही ओएचई का लेआउट प्लान बनाया जाता है। अब हम देखेंगे कि इसकी लोकेशन कैसे फाइनल करते हैं। ऑब्लिगेटरी मास्ट की लोकेशन फाइनल करने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि टर्नआउट और क्रॉसओवर किसे बोला जाता है। दोस्तों, आप देख रहे हैं जब एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक को कनेक्ट किया जाता है तो उसको क्रॉसओवर बोलते हैं। ये आप देख रहे हैं दो ट्रैक है, दोनों के बीच में क्रॉस ओवर डाला गया है, यानी कि अप और डाउन दोनों लाइनों को कनेक्ट करने के लिए ये क्रॉस ओवर लगाया गया है। जब मेन लाइन से लूप लाइन को कनेक्ट किया जाता है तो जो ट्रैक डाला जाता है उसको टर्नआउट बोला जाता है। टर्नआउट और क्रॉस ओवर में इसके दो पॉइंट होते हैं, इसको नोज पॉइंट बोला जाता है और दूसरे एंड पे इसका जो पार्ट है उसको टॉप पॉइंट बोला जाता है। अब हम देखेंगे कि ऑब्लिगेटरी मास्ट की लोकेशन किस तरह से फाइनल की जाती है। यह एक टर्नआउट है, इसका एयर टॉप पॉइंट है, दूसरे एंड पे इसका नोज पॉइंट है। इन दोनों का थ्योरेटिकल सेंटर लेके कोशिश करते हैं कि थ्योरेटिकल सेंटर पे ऑब्लिगेटरी मास्ट डिसाइड हो। यदि किसी कारण से ये थ्योरेटिकल सेंटर पे ऑब्लिगेटरी मास्ट को नहीं लगा पाते हैं तो फिर हम देखते हैं ट्रैक सेपरेशन। इन दोनों के बीच का जो ट्रैक का सेपरेशन है मिनिमम 150 mm से और 700 mm के बीच में मास्ट की लोकेशन डिसाइड करते हैं। ये जो आप एक ऑब्लिगेटरी मास्ट देख रहे हैं दोनों के बीच का, मैं दिखाता हूँ ट्रैक सेपरेशन कितना है। अभी 520 है सर। इसका ट्रैक सेपरेशन देखने के लिए दोनों रेल के या तो आउटर साइड में या इनर साइड में, ताकि दोनों ट्रैक का बीच का सेंटर आ सके, ये ट्रैक सेपरेशन मेजर करके इसकी लोकेशन फाइनल करते हैं। ऑब्लिगेटरी मास्ट की लोकेशन डिसाइड करने के बाद हम देखते हैं कि इसका जो इम्प्लांटेशन या सेटिंग डिस्टेंस जो होता है वो मिनिमम 3 मीटर होता है और इसका जो स्पान होता है वो मैक्सिमम 54 मीटर होता है। ऑब्लिगेटरी मास्ट इसलिए इम्पोर्टेंट है कि जब पेंटोग्राफ मेन लाइन से लूप लाइन में जाता है या अप ट्रैक से डाउन ट्रैक में जाता है तो पेंटो का चेंज और एक कॉन्टैक्ट वायर से दूसरे कॉन्टैक्ट वायर से स्मूथली हो सके, इसलिए ऑब्लिगेटरी मास्ट पर दो या दो से ज़्यादा सपोर्ट कैंटिलीवर लगाए जाते हैं। ऑब्लिगेटरी लोकेशन के सपोर्ट पर टर्नआउट ओएचई के कॉन्टैक्ट वायर की हाइट मेन लाइन ओएचई के कॉन्टैक्ट वायर से 5 सेंटीमीटर एबो होती है। मेन लाइन कॉन्टैक्टर वायर का जो
मैक्सिमम स्टेगर है वो 200 mm रखते हैं एवं टर्न आउट कॉन्टेक्ट वायर का मैक्सिमम स्टेगर 300 mm होता है। दोस्तों अब हम देखेंगे टर्न आउट लोकेशन पर किस तरह से टर्न आउट और मेन लाइन का कॉन्टेक्ट वायर आपस में पेंटों पर टच करता है। ये अभी लूप लाइन का यानी कि टर्न आउट का ओएचई का कॉन्टेक्ट वायर है। अब इस पे ये टेक ऑन होगा मेन लाइन का ओएचई का कॉन्टेक्ट वायर जो कि पेंटोग्राफ सेंटर से 650 mm और 720 mm के बीच में टेक ऑन होता है। ऑब्लिगेटरी लोकेशन पर मेन लाइन का जो इनकम्बरेंस होता है 90 cm और टर्न आउट ओएचई का जो इनकम्बरेंस होता है वो होता है 140 cm 1.40 m। अब हम देखेंगे किस तरह से टर्न आउट ओएचई टेक ऑफ होती है। इसका टेक ऑफ पॉइंट भी होता है पेंटोग्राफ सेंटर से 650 mm से 720 mm के बीच।